नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं जो कि काफी क्लिकेबल और काफी अच्छे तरीके से और काफी कम समय में अच्छे थंबनेल को कैसे बना सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे और आपको यहाँ पर बना के भी दिखाएंगे कि आप कम समय में काफी अच्छे थंबनेल को कैसे बना सकते हो। चलिए आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा ध्यान देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ कि आप थंबनेल कैसे बना सकते हो काफी कम समय में। देखिए दोस्तों, थंबनेल जो होता है वह किसी भी वीडियो का मार्गदर्शक होता है, यानी वह वीडियो कितना चलेगा यह डिपेंड थंबनेल पे ही करता है। इसलिए थंबनेल को अच्छे तरीके से बनाना यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी कम समय में अच्छे थंबनेल कैसे बनाया जाता है यह मैं बताने वाला हूँ। इसीलिए आपको वीडियो को लाइक करके और वीडियो को एंड तक देखना है। थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो को लाइक करके और वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि वह क्या प्रोसेस है जिसके कारण आप थंबनेल काफ़ी कम समय में और काफ़ी अच्छे तरीके से बना सकते हो, जिसके कारण आपका जो वीडियो YouTube पर काफ़ी अच्छे तरीके से चल पाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। देखिए इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत होगा, वह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, नहीं तो आपको ये एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब से भी आप थंबनेल काफ़ी अच्छे तरीके से और अच्छे क्वालिटी का बना सकते हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ पिक्सल लैब से आप अच्छे तरीके से थंबनेल कैसे बना सकते हो, क्योंकि थंबनेल किसी भी वीडियो का मार्गदर्शक हो जाता है। इसलिए थंबनेल को अच्छा होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी वीडियो को चलने के लिए। चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पर करना कैसे होगा, और मैं आपको यहाँ पर एक नया लेआउट लेकर और सब चीज़ नया करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया, तो कुछ इस तरीके का आपको लेआउट खुलेगा। अगर आप नया इंस्टॉल करोगे अपने फ़ोन में तो कुछ इसी प्रकार का आपको जो है लेआउट खुल गया है आपके सामने में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखेगा, ठीक है। ऊपर में आपको 3 डॉट दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर इमेज साइज पर, ठीक है। इमेज साइज पर ऑटोमेटिक यह कस्टम रहता है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, तो आप सेलेक्ट करना है YouTube थंबनेल, आपको यहाँ पर लिखा रहेगा, यानी 16:9 का आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से ओके कर देना, ठीक है। ओके करने के बाद क्या करना है, तो ये जो बीच में टेक्स्ट लिखा है उसको हटा देना कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा, ठीक है। तो उस प्लस के साइन पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से आपको लेना है एक शेप, सिर्फ कुछ इस तरीके से लीजिए और इस तरीके से आपको पूरा फैला देना, ठीक है। यानी यहाँ से आपको सबसे पहले एक लेयर लेना है, जो कि मैं इस तरीके से लेयर एक ले चुका हूँ, और इसके बाद मैं बताता हूँ यहाँ पर करना क्या होता है। तो कुछ इस तरीके से लेयर को ओके कीजिए, उसके बाद आपको नीचे में दिख जाएगा सेक्शन, ठीक है। एक होगा फिल्टर का सेक्शन, उसके बगल में आपको एक ए लिखा होगा, और उसके बगल में आपको यहाँ पर एक षटकोण टाइप का होगा, ठीक है। उस पर क्लिक कीजिए, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक कलर का सेक्शन दिख जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए रिलेटिव साइज के बगल में कलर का एक ऑप्शन दिखता है, उस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से आपको करना है इसे इनेबल। इनेबल कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से अपने मन मुताबिक यहां से आप कलर ले सकते हो, तो जैसा आपको कलर लेना हो आप यहां से ले सकते हो। चलिए मैं यहां पर कुछ इस तरीके से वाइट ही कलर लेता हूं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, देखिए उसके बाद आपको करना क्या है, तो आप अपने थंबनेल में अगर अपना फ़ोटो लगाना चाहते हो या फिर किसी का भी फ़ोटो लगाना चाहते हो, तो फ़ोटो लगाने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, तो उस फोटो का बैकग्राउंड आप इरेज कर लीजिए, ठीक है। बैकग्राउंड इरेज कैसे करना है, इस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, तो जाइए मेरे चैनल पर या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी देख लीजिए कि बैकग्राउंड इरेज कैसे करना होता है, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड अगर आपका इरेज हो जाए तो फिर से आपको प्लस पे क्लिक करना है, और प्लस पे क्लिक करने के बाद फिर से आना फ्रॉम गैलरी, ठीक है। फ्रॉम गैलरी कुछ इस तरीके से कीजिए, और फ्रॉम गैलरी करने के बाद आपने जो यहाँ पर बैकग्राउंड इरेज किया है उस फोटो को ले लेना, ठीक है। उस वीडियो में मैंने ये फ़ोटो को इरेज किया था, और इसी फ़ोटो को मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर ले लिया, और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा तो आपको सिर्फ सही का टिक कर देना है, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर कर दिया, और यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से आ गया है। तो आप इस चीज़ को पकड़ के छोटा या बड़ा कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर छोटा बड़ा यहाँ पर अपने हिसाब से कर दिया हूँ, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से हो चुका है, और इसके बाद फ़ोटो हिले या डुले ना, ठीक है, बिल्कुल स्टेबल तरीके से रहे, इसके लिए आपको करना क्या हुआ, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसे लॉक कर देना कुछ इस तरीके से, इसके बाद ये फ़ोटो हिलेगा नहीं, ठीक है।
बैकग्राउंड का चीज हिलेगा लेकिन फोटो वहीं पर स्टेबल रहेगा। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर करना क्या है, तो इसके बाद आपको करना क्या होगा, फिर से प्लस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए टेक्स्ट पर, ठीक है, इस टेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है, और आपको यहाँ पर लिखना क्या है तो मैं आपको एक बेसिक सा लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ आपको लिख के दिखा रहा हूँ, पहले लेआउट में मैं आपको यहाँ पर लाइक लिखने वाला हूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर लाइक लिख दिया। और यहाँ पर फिर से आपने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा, इसके लिए आपको करना क्या हुआ, तो नीचे में आप शेप दिखेगा ए का, तो उस पर क्लिक कीजिए, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ से आप कलर ले लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ कलर जो है रेड लेने वाला हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ से रेड कलर ले लिया हूँ। और करना क्या है, तो कुछ इस तरीके से इसको आप बड़ा कीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको बड़ा कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सही का निशान कर दीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको जो है यहाँ पर फॉन्ट चूज करना है। तो फॉन्ट में आपको डिफरेंट टाइप का फॉन्ट दिख जाएगा, जैसा आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप यहाँ पर रख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ कुछ इस तरीके का फॉन्ट यहाँ पर रखने वाला हूँ, जो कि देखिए कुछ इस तरीके से हो चुका है। और ये रखने के बाद देखिए मैं कुछ इस तरीके से इसको बड़ा कर दूंगा, जो कि काफ़ी इस तरीके से हो जाएगा। और इसके साथ अगर आप चाहते हो तो शैडो वगैरह भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या इस पर लगाना चाहते हो। तो देखिए स्टॉक अगर आप लगाना चाहते हो तो स्टॉक को इनेबल कीजिए, और इसके बाद आपको यहाँ से वाइट ले लेना है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से ले सकते हो। देखिए कुछ इस तरीके से आप अपना स्टॉक भी चढ़ा सकते हो। देखिए ये हो गया, उसके बाद क्या करना है कि जैसे आपको अगला टेक्स्ट लोगे उस पर करना क्या है, तो इस यहाँ जो आपने लाइक लिखा उसको फिर से कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और इसी में आपको लिख देना है ए एन डी, ठीक है, कुछ इस तरीके से ए एन डी लिख देना है, लाइक एंड यहाँ पे हो गया। और इसका आप कलर भी यहाँ से बदल सकते हो, तो यहाँ देखिए मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं ब्लू कलर दे दिया, ठीक है, तो ये भी हो गया। और इसके बाद फिर से मुझे लिखना है यहाँ पर सब्सक्राइब लिखना है, तो फिर से यहाँ जो एंड है इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा और फिर से यहाँ पर लिख दूंगा सब्सक्राइब, जो कि कुछ इस तरीके से मैं लिखने वाला हूँ। यहाँ देखिए मैंने फिर से सब्सक्राइब लिख दिया, और इसे भी आप छोटा कीजिए। अगर आप चाहते हो तो इसका साइज और टेक्स्ट स्टाइल दोनों आप बदल सकते हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो चलिए मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखिए कुछ इसका मैं हरा भी कर सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से कलर ले सकते हो। और स्ट्रोक में मैं यहाँ पर लगा दूंगा ब्लैक कलर का, और इसे थोड़ा बढ़ा दूंगा, देखिए कुछ इस तरीके से हो गया। और ऐसे ही आप क्रिएटिव थंबनेल अपने वीडियो के हिसाब से बना सकते हो। आपका वीडियो किसी भी तरीके का है तो उस तरीके के लिए आप पर्सनल थंबनेल काफ़ी अच्छे तरीके से इसी तरीके से बना सकते हो। और ये सब करने के बाद आपको करना क्या है, तो आप यहाँ पर फिर से दिखेगा आपको यहाँ पर एक सेव का बटन दिखेगा, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए। इस थंबनेल को सेव करने से पहले आपको करना क्या है, अगर आप फिर से वीडियो बनाओगे तो फिर से आपको थंबनेल बनाना होगा, तो इसके लिए आप कीजिए क्या, तो सेव एज प्रोजेक्ट कर लेना, ठीक है, सेव एज प्रोजेक्ट अगर आप कर लेते हो तो ये सब लेआउट आपको फिर से लेना नहीं पड़ेगा। जैसे आपको नया थंबनेल बनाना है तो सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ लिखना पड़ेगा, बाद में सब आप यहाँ से कर लोगे। उसके बाद आपको करना सेव एज इमेज, सेव एज इमेज पर करने के बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पर दिखेगा फॉर्मेट, फॉर्मेट में आपको PNG कर देना है, और कस्टम में दिखेगा तो आपको अल्ट्रा कर देना है, ठीक है। अल्ट्रा करने के बाद आपको करना क्या है, तो सेव टू गैलरी कर देना है। सेव टू गैलरी इस तरीके से जब हो जाएगा तो आप अपने गैलरी में जाइए, और यहाँ से आप देख सकते हो कि वह किस तरीके से बना है, ठीक है। चलिए मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बना है, तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर गैलरी में गया, और गैलरी में जाने के बाद कि रिसेंट में ही आपको दिख जाएगा, क्योंकि कुछ इस तरीके जैसा मैंने लिखा था वैसा यहाँ पर बन चुका है। तो आप अपने वीडियो के हिसाब से बना लीजिएगा थंबनेल, काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ से बना सकते हो। जैसा थंबनेल बनाओगे वैसा आपका वीडियो चलेगा, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मैंने यहाँ पर बताया कि बैकग्राउंड रिमूव कैसे कर सकते हो, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख सकते हो, और इसके बाद थंबनेल कैसे बनाना है यहाँ पर आप देख कर और बना भी सकते हो। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे कीजिएगा तो आप काफ़ी अच्छा थंबनेल बन जाएगा आपके वीडियो के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वीडियो को रैंक कराने के लिए। थंबनेल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपको थंबनेल बनाना काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाएगा इन सिचुएशन में। इसीलिए आप थंबनेल जैसे जैसे मैं यहाँ पर बनाया हूँ वैसे वैसे अगर आप बनाओगे तो काफ़ी अच्छा और प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हो। अगर मैं फिर से फिक्सर लैब खोलूँ, अगर मैं फिर से फिक्सर लैब खोलूँ तो वह पुराना ही दिखेगा, ठीक है। चलिए मैं फिर से इसको काट के और फिर से खोलता हूँ।
फिर कुछ इस तरीके से मैंने अगर फिर से खोला तो यहाँ पर पूछा कन्फर्मेशन, आपने जो पिछला प्रोजेक्ट किया है उसे आप फिर से देखना चाहते हो या फिर नहीं, तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर दूंगा और यहाँ पर जो मैंने प्रोजेक्ट में सेव करके रखा है उस पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ढेर सारे यहाँ पर जो मैंने वर्क किया हुआ सारा यहाँ पर सेव है। तो मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये लूडो वाला है और मैं इसे आपको यहाँ पर खोल के दिखाया है। यहाँ पर आप देखिए तो हर चीज़ को आप यहाँ पर हिला डुला सकते हो, यानी इसका यह मतलब है कि मैंने इस थंबनेल को बनाया है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बनाया है। तो ऐसे डिज़ाइन आप भी अपने लिए कर सकते हो अपने थंबनेल के लिए, और जैसा डिज़ाइन करोगे या फिर जैसा आप थंबनेल बनाओगे उसी हिसाब से आपका वीडियो चलेगा। तो इन बातों को आप ध्यान रखिए कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है, और जितना अच्छा आप थंबनेल बनाओगे उतना अच्छा आपका वीडियो चलेगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होता है या फिर थंबनेल बनाने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका कुछ ना कुछ हल आपको जरूर बताऊंगा। तो बस आज के लिए बस, आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट में दे सकते हो। धन्यवाद।